हेलो गाइस, तो स्वागत है एक न्यू वीडियो में। तो गाइस, आज के इस वीडियो में 5 WWE सेगमेंट्स के बारे में बात करेंगे, जब WWE ने बेशर्मी से एक रेसलर का एंट्रेंस थीम रिसाइकल कर दिया, या कहे तो चेंज कर दिया। तो गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, किंग हार्ली रेस एंड जेरी द किंग लॉलर यूज द थीम द ग्रेट गेट एट कीव। गाइस, जेरी द किंग लॉलर को उनके क्लासिक एंट्री सॉन्ग द ग्रेट गेट एट कीव के अलावा किसी और थीम पर एंट्री करते हुए देखना बहुत अजीब होगा। ये थीम रॉयलिटी के लिए बिल्कुल सही लगता है और ऐसा लगता है जैसे ये सिर्फ जेरी लॉलर के लिए ही बना है। हालांकि WWE में बहुत सारे लोगों को किंग का खिताब मिला है, लेकिन जब से लॉलर ने WWF में डेब्यू किया है तब से ये थीम म्यूजिक सिर्फ उनको ही दिया गया है। चाहे वो हील बने या बेबी फेस रेसलर, लेकिन उनका थीम कभी भी नहीं बदला गया है। लेकिन इस थीम को इस्तेमाल करने वाले पहले रेसलर जेरी लॉलर नहीं थे। इस थीम के पहले हकदार हार्ली रेस थे, जिन्होंने ये थीम 80s के दशक में इस्तेमाल किया था, जब वो किंग हार्ली रेस बने थे। उसके बाद रेस को हाकू ने हरा दिया था और वो किंग हाकू बन गए और उन्होंने ना केवल उनकी जगह ली बल्कि उनका थीम म्यूजिक भी ले लिया था। चलो बात करते हैं नंबर 2, जैक स्वेगर एंड जेमी नोवेल यूज द थीम 2G's Top। हमें नहीं पता क्यों, लेकिन 2G's Top या थीम म्यूजिक सिर्फ जॉबर्स के लिए एक अच्छा थीम लगता है, और इसी वजह से हैरानी की बात है कि इस थीम को जैक स्वेगर जैसे बड़े रेसलर के लिए क्यों इस्तेमाल किया गया था। जिन्होंने 2008 में अपने ECW में अपने डेब्यू के दौरान उस थीम म्यूजिक का इस्तेमाल किया था, लेकिन ये थीम उससे भी कई साल पहले 2002 में भी इस्तेमाल करा गया था, जब जेबी नोवेल अपने गर्लफ्रेंड नीडिया के साथ एक ट्रेलर ट्रैश का किरदार करते थे। अच्छी बात ये थी कि स्वेगर के लिए इस थीम का ज्यादा समय तक इस्तेमाल नहीं किया गया था और जल्द ही बदल दिया गया। चलो बात करते हैं नंबर 3, स्टीव ब्लैकमैन एंड बैड ब्लक 1997 PBV यूज द थीम ग्राउंड शेकर। एक पेपर व्यू के थीम को एक रेसलर का थीम बना देना काफी आम बात है, जैसा कि स्टीव ब्लैकमैन के पहले एंट्री थीम ग्राउंड शेकर के साथ भी हुआ था। ये थीम कुछ महीने पहले ही 1997 के बैड ब्लड पेपर व्यू के थीम पर इस्तेमाल किया गया था, जब हेल इन अ सेल मैच फॉर्मेट का डेब्यू हुआ था। अब बात करते नंबर 5, मेरिया एंड एलिसिया फॉक्स यूज द सीम पापा पा पार्टी। जैसा कि अक्टूबर 2011 को रॉ के सुपर शो में देखा गया था कि एलिसिया फॉक्स ने अपना हॉट एंड हेयर से इंस्पायर होकर एंट्री थीम बदलकर पापा पा पार्टी को अपना नया थीम रिसाइकल किया गया था, क्योंकि इससे पहली बार 2005 में मेरिया ने अपने नए थीम विडलेक्स लाइट्स देर से पहले इस्तेमाल किया था।